क्या खतरनाक ट्रैफिक है सही टाइम पे भाई, पूरी एमजी रोड पे कर दी है, यहाँ पे कर दी नहीं है। मैं वही बोला, गरीब शॉपिंग नहीं कर रहा है। नमाज कौन सी पढ़ने का? चलो उठ जाओ, देखो आई शाबाश। फटाफट खत्म करता हूँ तो। नहीं खाया इसे, कुछ भी नहीं खाया। तो सुबह के बज रहे हैं 6:58 और अपना गोट रूम का मॉर्निंग वाला काम सब हो गया। दवाइयाँ देके, हर चीज़ देके, देखे आप लोगों ने बोर को, अब आप ही बताओ कैसा लग रहा है आपको। तो वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी अपने जो बड़की पत्ती है, वो जो अपना बंदा है जो तोड़ के रखता है, उस वो क्या करता है, तोड़ देता है और वहीं पर रख देता है। तो अपने को जाके वहाँ से कलेक्ट करना पड़ता। तो कलेक्ट कैसे करेंगे? उस दिन तो लेके आ गए बर्गमैन पे, मगर बर्गमैन पे लेके आना रिस्की है। क्यों रिस्की है? क्योंकि यहाँ पे जो वो पत्तों का जो मिल्क, वाइट मिल्क, अगर गाड़ी पे लग जाए निकलता नहीं है। तो जो बंदा मेरे पास पहले काम करता था, तो उसको मैंने गाड़ी दिया था एक, तो ये वो गाड़ी है और इसकी हालत बहुत ही ख़राब है और पिछले एक साल से ये गाड़ी बंद है। तो इसको अभी कोशिश करते चालू करने की, अगर चालू हो गई तो ठीक, इस चालू हो गई तो इसी पर लेके आएंगे, नहीं तो फिर कोई दूसरी गाड़ी पे जाएंगे। बर्गमैन पे तो नहीं जाएंगे, उस दिन गए थे गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी, सर्विसिंग को दिए जब जाके साफ़ हुई होगा। 15 मिनट से पेट्रोल निकालने के लिए बॉटल और पेट्रोल निकालने वाला पाइप ही ढूंढ रहा था, फाइनली मिल गया, निकाल दिया। अभी इसमें डाला है, अभी इसको चालू करने की कोशिश करते हैं। एक साल के बाद पूरे होगी क्या चालू, क्या लगता है आप? चलो देखते हैं। बहुत किक मार लिया इसको मैंने, थोड़ी देर के बाद मिलता हूँ। पिछले 10 मिनट से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हुआ। इससे ज़्यादा और ट्राई नहीं कर सकता तो फिर जिम में हालत और ख़राब हो जाएगी, जिम भी करना है। तो इसको रहने देते, कोई दूसरा ऑप्शन देते, हालत ख़राब। बोर है ना, बोर कैसा लेटा हुआ है, देखो मस्त खाया है पत्ती उसने, अभी उठ गया, अभी उड़ गया, नहीं तो एकदम मस्त ऐसा लेट के फुल ऑन सुस्ती उस्ती ले रहा है। हो गया जैसे यहाँ पे मालवा आराम कर रहा है, हो गया सवेरे का, मैं बस देखने आया था, बस दुआ दो जानवरों को कि जो मेरी नियत है वहाँ तक वो लोग पहुँच जाए। और 9 बज रहे सवेरे के, मैं जाता हूँ जिम, गाड़ी वो चालू नहीं हुई, एक बार और ट्राई करता हूँ। अभी जब से तो ट्राई नहीं किया मैंने, जब से मैं काम कर रहा था, तो अभी ट्राई करके देखता हूँ, अगर चालू हो गई तो दिखाता हूँ, नहीं तो फिर डायरेक्ट जिम जाते हुए मिलता हूँ। तो मैं आ गया जिम, घर से नाश्ता किया मैं, जिसको मैं प्री वर्कआउट बोलता हूँ वो किया और आ गया जिम। आज मेरा है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। घर से जब निकला मैं, इज्जत में मैंने अपना कैमरा अपने जिम बैग में डाला, बोला एक बार अपने को अकल आ गई है तो फिर से वो गलती करने का नहीं। चलो वर्कआउट करते। तो टाइम हो रहा है 11:02 और अपना वर्कआउट हो गया, आज बाइसेप्स ट्राइसेप्स था। अभी फटाफट जाते हैं घर पे और खाते हैं। जिम करने से पहले कितना भी खाओ, जिम करने के बाद भूख लगती ही है। तो चलो कैमरा बैग में रखूँगा।
तो दोपहर के बज रहे हैं 12:15 और देखो सेट है अल्हम्दुलिल्लाह और जानवर सब सेट है तो अभी मैं जा सकता हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैं गया नहीं काम से, तो बाहर के जो जो काम पेंडिंग थे वो काम करके आते। पहले तो अपने इनोवा पे एक काम है, क्या काम है रास्ते से बताता हूँ। चलो खा रहे माशाल्लाह, देखो अभी टेंशन नहीं है, पानी वानी सब पिला दिए, अभी डायरेक्ट शाम में आने का, दाना डालने का और अपने कामों में लग जाने का, अभी सेट होते आ रहे। तो मैं जा रहा हूँ पहले नानापेट, नानापेट में मुझे अपनी इनोवा की हेडलाइट का काम करवाना है। जो अपनी हॉरिजन लाइट्स थी मैंने वो निकाल दिया था जब मैं भोपाल जा रहा था, क्योंकि उनमें से एक काम कर रही थी और एक काम नहीं कर रही थी, और हम लोग भोपाल बहुत अर्जेंट में गए थे तो वो टाइम पे वो जो ब्लास्टर एक जो चीज़ आती है उसमें वो नहीं मिल रही थी, तो वो ब्लास्टर अभी अवेलेबल हो गया है तो वही करने जा रहा हूँ। और अभी जाते जाते अम्मी ने भी मुझे एक काम दे दिया। अम्मी ने क्या काम दिया बताता हूँ, रुको गाड़ी रोक के बताता हूँ। अम्मी ने बोले कोलसा गली जा रहे हो तो ये भी फ्रेम करा दे। नाना पेट से काम करके कोलसा गली जाने वाला था तो मैं ये भी कर लूँगा आते आते, और एक दो काम है सब कर लेंगे। एक बार ये जानवर सेट हो गए ना फिर तुम सब काम कर सकते हो। तो चलो फटाफट पहले हेडलाइट का काम करते हैं। बारिश आ रही है, बारिश। अरे यार ये वाला वाइपर भी एक बंद हो गया है, तो इसको तो इसके लिए तो मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, इसके लिए भी मैकेनिक के पास चले जाएंगे एक दिन। मैंने कल ही सोचा था और आप लोगों से पूछा भी था प्लेटफॉर्म निकालूँ या मत निकालूँ, मैंने भी इसलिए पूछा था कि बारिश नहीं आ रही है, मगर आप लोगों में से एक जन ने बताया कि मत निकालना मौसम में, बारिश अभी भी आ रही है। तो देखो बारिश आ रही है, चल रही है बारिश, तो अच्छा हो गया नहीं निकाला मैंने, नहीं तो कल ही निकाल देता। मैं आप लोगों को पूछता हूँ ना, मैं आप लोगों को इसलिए पूछता हूँ कि आप लोग जो मुझसे जुड़े हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरे इन्वॉल्व हो जाओ। ये जो बकरे हैं ये मेरे बकरे नहीं, अपने बकरे हैं, समझ रहे हो? हाँ, जब बिकेंगे तो पैसा मेरा होगा सिर्फ, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो 12:15 हो गए और मैं आ गया और अपना काम भी चालू है। और किसने काम करवाया? मीट फाद, ये भी फाद है, जो अपना दूसरा वाला फाद नहीं, ये अपना यासर भाई वाला फाद है। तो मेरे जितने भी गाड़ी वाड़ी के काम रहेंगे ना, जो नाना पेट मेरे थे स्पेशली, तो मैं इसको ही फ़ोन करता हूँ और ये फिर मेरा काम कर देता अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये किधर कर रहे हैं अपन काम? नाना बेटा मनुषा मस्जिद के सामने, मनुषा मस्जिद के सामने एसएस कार डेकोर भाई। और किधर कर रहे हैं अपन? एसएस कार डेकोर, डिस्काउंट मिलेगा अपने को, घर की दुकान है, बस खत्म हो गई बात। तो तुम लोगों को भी कुछ काम करने का रहेगा तो बिंदास आ जाओ यहाँ पे और एम खान ब्लॉग्स बोल दो, इंशाल्लाह डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलेगा ना भाई? हमारे मिल जाएगा डिस्काउंट तुम्हारे। छतरी वतरी लगा के काम चल रहा है, करते रहो करते रहो। अभी ये गाड़ी पे काम क्यों हो रहा है तुम लोगों को थोड़े दिन में पता चल ही जाएगा, पानी गिर रहा है। तो फटाफट ये काम खत्म करते हैं और निकलते कोलसा गली, वहाँ पे काम है एक और मेन, अगर वो काम नहीं किए तो घर में एंट्री नहीं मिलेगी। सक्सेस हो जाएगा ना काम, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा भाई। चलो कोलसा गली चलो। तो जिस काम के लिए मैं आया था, इनोवा को लेके काम हो गए, अपने जो हॉलीजन बल्ब थे वो भी लग गए और ये भी लगा लिया। उस दिन जब अम्मी कार में बैठे थे तो वो बोले यार लेटने नहीं आ रहा है, सोने नहीं आ रहा है, तो ये लगाया मैंने नेक रेस्टर। तो ये मैं देखा पहले अगर कंफर्टेबल है तो वो लगा लिया, और हॉर्न भी एक बज रहा था एक नहीं बज रहा था तो वो भी बना लिया। तो अभी जब भी हमारा सफ़र शुरू होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ एक बार सर्विसिंग करनी है कार की, वो एक बार सर्विसिंग भी करवा देंगे। और चलो अभी कोलसा गली चलते। अरे आज तो MG रोड और कैम्प में अलग ही गर्दी लग रही है, क्या पता अभी पार्किंग मिलेगी कि नहीं, क्योंकि डबल डबल गाड़ियाँ पार्क होके रखी है यहाँ पे ऑलरेडी। ये देखो गर्दी, देखो ये फिर ऐसी गर्दी करेंगे, फिर हो जाएगा लॉकडाउन। जो थोड़ा बहुत बिजनेस शुरू हुआ है अभी फिर वो बंद करना पड़ेगा। ढूंढते पहले पार्किंग, पार्किंग मिलना ही बहुत बड़ा टास्क हो गया यार यहाँ पे तो। क्या खतरनाक ट्रैफिक है, सही टाइम पे पार्किंग मिल गई, अगर सही टाइम पे पार्किंग नहीं मिलती ना तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती। अब बस यहीं से राइट साइड में कोलसा गली फटाफट पहुँचते हैं वहाँ पे। देखो ना ये सब गाड़ियाँ पार्किंग के लिए खड़ी हुई और अपने को मिल गई लकीली। चलो क्या पूरी MG रोड पे कर दी है क्या यहाँ पे पूरा खाली?
पूरी एमजी रोड पे कर दी और कोलसा गली की हालत देखो। ये कोलसा गली की हालत देखो, कोलसा गली में तो पब्लिक ही नहीं है। एमजी रोड पे फुल ऑन कर दी। वी खान ब्लॉक्स, एम खान ब्लॉक्स, देखे ये हाल है। अमीर और अमीर होते जाएगा और गरीब होते जाएगा। भाई पूरी एमजी रोड पे कर दी है, यहाँ पे कर दी नहीं है। मैं वही बोला, गरीब शॉपिंग नहीं कर रहा क्या? सब अमीर अमीर लोग शॉपिंग कर रहे ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ मैं हूँ खलनायक। खलनायक बैठे, चलो फटाफट अभी यहाँ के काम, फटाफट यहाँ के काम करते हैं और निकलते हैं घर पे। आलिम भाई, वालेकुम अस्सलाम। बॉयज कम हियर। अच्छा बकरा लेके आ गए? मेरा बेटा आ, चलो गुजरी का ट्रेंड देखो, पुणे में भी आ गया, दिखाता हूँ तुमको। चलो हाय मिस्टर इनाम, हाउ आर यू डूइंग भाई? ये किसको देने का, बनाने की दो फ्रेम कर लीजिए। सब चेंज कर दिया अभी तुम्हारे भाई ने सेटअप। वालेकुम अस्सलाम हाउ आर यू गाइस? दिखाओ बकरा, दिखाओ अपना बच्चा कौन सा, उठा के दिखाओ, यहाँ पे लाओ। गुजरी का ट्रेंड पुणे में भी आ गया, मुंडा गुजरी है भाई, भी आ गए। कल्लू भाई कह रहे थे, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम। चीची मैंगो इज ऑल्सो हियर। आज पूरी गैंग, बहुत दिन के बाद कोलसा के लिए आए हो। बहुत टाइम के बाद आए, बहुत याद कर रहे थे मुसिन भाई। अरे जानवरों में इतना बिजी हो गया था, मैं सब कुछ सेट किया और अभी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, सब सेट हो गए। कितने हो गए अल्हम्दुलिल्लाह? अभी 3 हो गए और एक चौथा भी आएगा इंशाल्लाह। तो चलो फटाफट यहाँ पे देखते क्या चल रहा है। गुजरी का ट्रेंड आ गया पुणे में भी, देखो अदन बच्चा है खस्सी। हम जिधर जाते वहाँ पे बकरे ही बकरे आ जाते। चलो अभी कलीमा की दुकान में जाते। मेरे दोस्त, मेरे लगते जिगर, कहा है तू? मैं तुझे कितना मिस कर रहा था। कितने दिन के, ऐसा लग रहा मैं कितने सालों बाद आया हूँ कोलसा गली में। अभी वो जानवरों में बिजी इतना हो गया था भाई। ये सब नया है सेटअप। और बाकी यासर बुलाओ, फोन करो, बुलाते यासर भाई को भी बुलाते। यासर भाई तो घर पे ही आने वाले हैं आज अपने, अगर यहाँ आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर घर पे तो मिलने ही वाले अपने से आज। अलहमदुल्ला तुम आओ घर पे फिर आज यासर भाई के साथ। जानवर आ गए ले अपने, तीनों भी देख लो आके, ब्लॉग में देखे ना, मगर ऐसे लाइव भी आके देखो, मजा आएंगे। चलो यासर भाई को फोन करो, तो देखते क्या बतरतीब बन रही है आगे की। तो मैं और कलीम भाई अभी जा रहे टी शर्ट लेने। कलीम भाई बोले कि तुम टी शर्ट कहाँ से लेते हो मुस्लिम भाई? चलो मेरे को भी लेने की। तो मेरा चलो भाई मेरे को भी लेने की है, दो चार मैं भी ले लूँगा और कलीम भाई भी ले लेंगे। चलो मास्क पहनो, मास्क। हाउ आर यू मीनाल? वसीम भाई की लड़की देखो ना, अभी तक आधा घंटा होगा मेरे को मगर कुछ गर्दी नहीं है। ये अलीम भाई ने मेरे को क्या पूछे पेट के लिए क्या करने का, मैंने क्या बोला इनसे पूछो, क्या बोला मैंने? नमाज पढ़ने का और खाना कम खाने का, पांचों वक्त की पूरी। हाँ पांचों वक्त की नमाज पढ़ने का सुन्नतों के साथ और खाना कम खाने का, बराबर पेट अंदर जाता। चलो आओ, क्या कभी से अमल कर रहे हो? इंशाल्लाह से। तुम भी करो इंशाल्लाह। मैं दिखाता नहीं हूँ इसका मतलब पढ़ता नहीं हूँ ऐसा नहीं है। मेरे लिए तो ले लिए टी शर्ट्स, अभी कलीम भाई कली मिल जाएगा, कलीम भाई को मैं तो ले लिया 3। हाँ इसी में दिखाओ, जब प्रिंटिंग में। हाँ देखो ये ऐसे जरा, देखो ये जरा भाई को जरा दिलाता हूँ और फिर मिलता हूँ। बहुत आगे आ गया, पीछे पीछे चला हो अपनी गाड़ी तक छोड़ रहे कलीम भाई। ये अपनी गाड़ी यहाँ पे, बस यहाँ पे। थैंक यू कलीम भाई एंड गुड बाय, अल्लाह हाफिज। चलो घर पे जाते हैं अभी। घर तो आ गया मैं, मगर जो टी शर्ट्स लिया था वो कलीम भाई की एक्टिवा में ही रह गए डिक्की में। अभी कलीम भाई वो बोलता हूँ फ़ोन करके ला के दे दो, देखते आते क्या कलीम भाई। चलो घर में भूख लगी यार, खाना खाते। ये गाड़ी आखिरकार स्टार्ट ही नहीं हुई। तो शाम के बज रहे हैं 5 और हम आ गए गोट रूम में बकरों को फीड डालने के लिए। चलो उठ जाओ, देखो आई शाबाश।
यही मेरा रेगुलर टाइम होता है। अभी जो सवेरे आप लोग देखते हो मैं पत्ती वत्ती डालता हूँ, वो मेरा रेगुलर टाइम नहीं है, मगर पिछले 1.5 साल से वही रेगुलर टाइम है। नहीं तो 11 बजे 11:30 बजे मैं पत्ती डालता था, मगर फीडिंग का मेरा टाइम वही है, शाम के 5 बजे। जब मैं बकरे भरा भी करता था, जब उनकी भराई करता था, तो वो टाइम भी मेरा 5 बजे का ही होता था। कोटा पीछे से टी शर्ट खींच रहा है मेरी। चलो फटाफट फीड डालता हूँ और मिलता हूँ आपको। तो रात के बज रहे 8, मैं अपना लास्ट राउंड कुछ 5:30 बजे के आसपास डाला, अंदर चला गया, थोड़ी सी एडिटिंग किया और आराम कर रहा था। तो आ गए अभी हम लोग बाकी का जो है वो सब करने के लिए। बाकी का क्या है, वाइंड अप करने के लिए जो दाना बचा है वो दाना रख लेंगे, क्योंकि क्या होता है मालूम है, फिर वो चूहे घूस आते हैं, फिर वो खाते हैं उसमें से, फिर उसमें ही लैट्रिन करके जाते, फिर वही बकरे अपने उसमें ही दाना खाते तो उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उसका थोड़ा खास ख्याल रख रहा हूँ। कल से मैं क्या कर रहा हूँ कि जो दाना है वो पूरा निकाल देता हूँ और जो ट्रे वो उल्टे करके रख देता हूँ, तो फिर आएंगे नहीं, अगर आए भी तो उसमें जाएंगे कैसे, तो वो एक टेंशन नहीं है अभी अपने को। तो माशाल्लाह अभी मैंने बोर को हरी पत्ती और थोड़ा गेहूँ मिक्स करके डाला था, तो पूरा खा लिया है, देखो अभी भी खा ही रहा है, उसमें थोड़ा सा ही बचा है, लाइट लाइट दे रहा हूँ उसको, हो जाएगा इंशाल्लाह। हो गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह, हो ही गया। तो चलो अभी मैं फटाफट से वाइंड अप करता हूँ और फिर मिलता हूँ। कल जो सामान आने वाला था मैंने मुंबई से मंगाया था, उसका सिर्फ माइक आया, और जो गोप्रो का केस है उन्होंने गलती से दूसरा भेज दिया था, तो वो भी मैंने मंगाया वो रिप्लेस करके, तो वो भी 8:30 बजे तक आ जाएगा, तो वो भी लाने जाते। और मनीष भाई से भी बहुत दिन से मिले नहीं है, तो मनीष भाई से भी मिल लेते। मनीष भाई के घर के पीछे ही है वो पार्सल का ऑफिस, जिधर पार्सल आता है मेरा, तो जाते जाते मनीष भाई से ही मिल लेंगे। तो चलो आपको मैं मनीष भाई के पास ही मिलता हूँ डायरेक्ट। तो मैं आ गया मनीष भाई के पास। व्हाट्सअप आ गया अपना। व्हाट्सअप एमकी की पब्लिक। ये लाइट तुम्हारा काफी डेंजरस स्ट्रांग है। मेरे को आदत हो गई उसकी, लोग मेरे को ऐसे हाथ में चल रहा हूँ। जो नए लोग आते हैं ना अपने कैमरा के सामने, तो वो लोग को थोड़ा सा तकलीफ होती है, थोड़े दिन और तकलीफ उठा लो, एक बार DSLR ले लिए तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो क्या ऐसा, वो अपना बड़ा फिर लाइट वाला लाइट से बटन हो जाता। तो कवर जो था वो आ गया, कवर ले लिया मैंने, अभी कवर गाड़ी में रखा है, घर पर जब जाऊँगा जब उसको ये वाला जो टूटा हुआ है वो निकाल दूंगा और वो लगा दूंगा। अभी बस हमारा इवनिंग वॉक। हाँ बस ऐसे ही वॉक कर रहे हैं हम लोग, मैं खाना खा के आया था। क्लाइमेट अच्छा है, बारिश हो रही सवेरे से, काफी अच्छा है, मस्त ठंडा लग रहा है ना, 4 दिन से गर्म। अरे हमारे बकरे लोगों के लिए सही नहीं है ना ऐसा क्लाइमेट, धूप हो गई और फिर तुरंत बारिश, अपने बकरे लोगों को तकलीफ हो जाती। क्या होता है उनको, बकरे लोगों के लिए सबसे डेंजरस क्लाइमेट है बारिश। हाँ क्या, ठंडी बर्दाश्त कर लेते, गर्मी बर्दाश्त कर लेते, मगर बारिश नहीं बर्दाश्त करते। ये जितने भी मेरे बकरेबाज लोग हैं उनको सबको मालूम है। बकरे पर नहीं, वो क्लाइमेट जो हो जाता ना उसके वजह से एकदम थका हुआ। ये लगा लो ना तुम, वो एटमॉस्फेयर कंट्रोल का कुछ तो रहता है सिस्टम, मतलब वो ह्यूमिडिटी वगैरह वो कुछ अंदर है ना रहने नहीं देता। इन फ्यूचर जब और ज्यादा बकरे हो जाएंगे, जब और बकरे होंगे तो अपने ना एकदम हाईटेक गोट रूम बनाएंगे, अपने हाईटेक गोट रूम। तो ये सब डॉलर में आ रहे हैं। ए मनीष भाई सिर्फ यही मस्ती मजाक करते रहते हम लोग। तो अभी हम लोग जस्ट वॉक कर रहे हैं, फटाफट वॉक कंप्लीट करते और घर पे जाते, क्योंकि वीडियो एडिटिंग भी बचा है। क्या नहीं किया आज? किया है थोड़ा बचा है ना। अच्छा तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हास्ता ला विस्ता। तो मैं आ गया घर, घर पे आया, मैं लैपटॉप चालू किया एडिटिंग के लिए, बस अभी एडिटिंग के लिए बैठ रहा हूँ। और अभी अपना केस लगा रहा हूँ मैं GoPro को, ऑलरेडी लगा हुआ है, जो गाड़ी चली गई थी तो पूरा वो क्रैश हो गया। अगर ये कवर नहीं होता ना उसके ऊपर तो GoPro टूट गया होता पूरा। देखो ये जो हिस्सा है ना ये इसके ऊपर से गया है कार, तो ये वाला जो हिस्सा है ना पूरा ख़राब हो गया है, ये वाले का जिस पे अभी GoPro लगा है। तो अभी ये आ गया है, अभी ये लगाऊंगा मैं और वीडियो एडिट कर दूंगा और आप तक पहुंच जाएगा ये सवेरे 10 बजे। और ये माहिरा करने लगी है टाइम पास। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ा आज भी, और क्या नाम है वो बंदे का, ये जो नाम मैं मालवे के लिए जो सेलेक्ट कर लिया, आप लोगों ने जो ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड किया है वो नाम, वो है मुफासा। और वो जो बंदा जिसने ये पहली बार वर्स्ट बार जब मैंने पूछा था, जो जिसने सजेस्ट किया था, उसका नाम भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि वो बार बार मैसेज कर रहा है, उसने तो बहुत सारे मैसेज किए। तो उसका नाम है OP गेमर हाशिम, ये नाम है उसका। उसे कितने सारे कमेंट्स है, देखो सारे कमेंट्स उसके ही है। तो मालवे का नाम मुफासा, और नोयान वाले नाराज ना हो,
जो चौथा वाला बकरा आएगा उसका नाम होगा नोयान। तो आप भी खुश और मुफासा भी खुश। और मुझसे बड़े वाले जो बहन हैं उन्होंने भी कमेंट किया था मुफासा, इसलिए मुफासा। तो मालवे का नाम आज से मुफासा, आप लोगों का दिया हुआ नाम। और जो फोर्थ वाला बकरा आएगा उसका नाम होगा नोयान। अब वो फोर्थ बकरा कब आएगा मुझे नहीं पता, मगर आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए ये वो फोर्थ बकरा कौन सी ब्रीड का होगा, ये एक नई चीज़ आप बताइए। आपका दिमाग लगाइए कि वो फोर्थ ब्रीड कौन सी होगी, ना वो कोटा होगा, ना वो मालवा होगा और ना ही वो बोर होगा। तो आप सोचिए कि वो कौन सी ब्रीड का बकरा होगा और उसका नाम होगा नोयान। मुफासा मालवे पे जमता है, उसके जो है बाल वाल है, उसका जो चंचलपन है। मुफासा का मतलब है किंग, मुफासा नाम रखते हैं अपन उसका आज से। तो ओपो गेमर हाशिमी, ठीक है भाई, तुम्हारा नाम भी ले लिया मैंने। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो किसी भी वजह से अच्छा लगा तो एक लाइक दे देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक दे देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, खाते ना पिस्ता, लाओ ना तुम जाके। ओ अम्मा बोलो ना, मैंगो रूम में। चलो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय, गुड बाय। अच्छा ना बेटा।